Now moving to page number 16. Some cells move from one place to another. A sperm cell has a long tail which enables it to swim towards an egg to fertilize it. Okay, beta, if we are talking about a sperm cell, so a sperm cell is present in a boy's body, okay? So what it does that it has a long tail, you can see in figure 1.19 as well, and which function is that it swims towards an egg to reproduce it. Beta, wo jo hai jab egg cell mein jata hai, to wo kya reproduction karne mein help karta. Some cells absorb as much light as possible. अब बेटा कुछ सेल्स जो होते हैं उनका फंक्शन होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें. अब पैलिसेड सेल इज अ सिलेंड्रिकल शेप्ड सेल यूजुअली फाउंड नियर द अपर सरफेस ऑफ अ लीफ. इट कंटेन्स मेनी क्लोरोप्लास्ट व्हिच कंटेन क्लोरोफिल. दीज फीचर्स अलाउ द पैलिसेड सेल टू एब्जॉर्ब एज मच लाइट एज पॉसिबल to carry out photosynthesis. बेटा अगर हम पैलिसेड सेल की बात करें तो पैलिसेड सेल क्या होता है वो हमने मैंने आप लोगों को उसमें भी बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि उसका जो शेप होता है वो क्या होता है सिलेंड्रिकल शेप में होता है उसका सेल. और वो किसके अंदर बेटा ज्यादातर पाया जाता है वो जो है हम उसे फाइंड कर सकते हैं लीफ के अंदर. लीफ के अंदर ये पाया जाता है ये वाला सेल. और इसके अंदर बेटा क्लोरोप्लास्ट होता है जो क्लोरोफिल उसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है. ठीक है मतलब ग्रीन कलर मौजूद होता है. क्लोरोफिल का मैंने बताया था ना कि विच ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. और बेटा इसका फंक्शन क्या होता है इस सेल का कि वो एब्जॉर्ब करने में ताकि जो लाइट मतलब सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट वो क्या करे ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस के दौरान वो ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है वो ऑब्जर्व एब्जॉर्ब कर सके. ओके नाउ कमिंग टू सम सेल्स कंट्रोल द साइज ऑफ ओपनिंग्स. बेटा कुछ सेल्स का जो है फंक्शन ये होता है कि वो जब ओपन कोई भी चीज ओपन हो रही है तो उसके साइज को कंट्रोल करना. Plant guard cells occur in pairs and are usually found on the underside of a leaf. Each pair of guard cell is shaped so that there is a tiny opening called a stoma, plural stomata, between them. To close the stoma, the guard cells change their shapes. Beta, plant guard cells मौजूद होते हैं plants के अंदर जो pairs में मौजूद होते हैं. ठीक है और हमें लीफ के अंदर नजर आता है अंडर साइड मतलब इस साइड जो एक तो ऊपर का साइड होता है नीचे वाला साइड जो होता है ना उसके साइड में हमें ये गार्ड सेल नजर आता है. ऑब्वियसली हम अब आप कहेंगे मिस हम कैसे देखें इसको. वी कैन नॉट सी वी कैन सी जस्ट थ्रू द माइक्रोस्कोप. ठीक है तो जब नीचे के लीफ के नीचे वाला पार्ट हम देखते हैं तो हमें जो है प्लांट गार्ड सेल नजर आता है. और हर पेयर का जो गार्ड सेल होता है उसकी शेप जो होती है उसकी शेप ऐसी बेटा अल्लाह ने बनाई है कुदरती ऐसी है नेचुरली ऐसी है ताकि उसके अंदर एक छोटा सा ओपनिंग होती है जैसे ये है बेटा ये देखें मतलब इसके जो है आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू आपको बड़ा करके इसकी पिक्चर दिखाइए. देखें हमें तो नजर नहीं आता लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो हमें ऐसे शेप नजर आ रही होगी इसकी. ठीक है और इसके अंदर जो है बेटा हमें सबसे पहले क्या नजर आ रहा होगा छोटी सी ओपनिंग. अब बेटा इस छोटी सी ओपनिंग को हम या तो स्टोमा भी बोल सकते हैं या स्टोमेटा. ऑलराइट स्टूडेंट्स वी कैन से इट स्टोमा और स्टोमेटा सो दैट गैसेस कैन एंटर एंड लीव. बेटा क्या होता है इसका फंक्शन क्या होता है स्टोमा का या स्टोमेटा का ताकि जो गैसेस हैं या जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन है इसको क्या कर सके ऑक्सीजन को अपने अंदर लीफ स्टोर कर सके और रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ये एक्सहेल कर सके. ऑलराइट ये किसका फंक्शन होता है बेटा गार्ड सेल का. नाउ मूविंग टू पेज नंबर
Some cells absorb water and mineral salts. Okay, beta, if we are talking about some cells, so some cells' functions are that it used to absorb water and mineral salt. बेटा कुछ सेल्स का फंक्शन ये होता है कि वो वाटर को और दूसरे मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. अ रूट हेयर सेल ऑफ अ प्लांट हैज अ लॉन्ग एंड नैरो प्रोट्रूजन व्हिच इंक्रीजेस इट्स सरफेस एरिया एंड अलाउज इट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स क्विकली. बेटा अगर हम रूट हेयर सेल की बात करें प्लांट के अंदर जो रूट सेल होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रूट हेयर सेल. इसका फंक्शन क्या होता है कि ये लॉन्ग और नैरो होता है. लॉन्ग मतलब लंबा और थोड़ा पतला होता है, जिसका जो बेटा उसका फंक्शन क्या होता है कि वो सरफेस एरिया को बढ़ा सके, इंक्रीज कर सके और ज्यादा से ज्यादा. अब जब बेटा वो इंक्रीज करेगा साइज को उसके, तो वो क्या होगा कि वाटर ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा एज क्विक एज पॉसिबल उसे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा. ओके स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी हैव लर्न दैट व्हाट आर द डिफरेंट सेल्स एंड व्हाट आर देयर डिफरेंट फंक्शंस. सो वी हैव वाइंडेड अप टिल हियर एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फ्रॉम 1.5.